धन्यवाद शुक्रिया। आज हम पूछने वाले बोल रही हूँ, आज हम देखने वाले हैं कि भाई इसरो ने लॉन्च कर दिया चंद्रयान 3, उसमें पाकिस्तानी जो लोगों का जो रिएक्शन है ना वो देखेंगे। वीडियो को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा एक चैनल जिसको एंटरटेनमेंट उसको भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज वीडियो। रेस्टोरेंट में जॉब की तो जब महीना हो गया तो मुझे एक दिन उसका ऑनर कहता है, इंडियन ऑनर था उसका। अच्छा। वो मुझे कहता है कि जी वकील साहब, उन्हें पता था मैं वकील हूँ, उसने कहा वकील साहब ये जरा पापड़म तो पकड़ाए, जो स्टार्टर्स होते हैं ना उन्हें पापड़म, वो कहते पापड़म तो पकड़ाए। मैंने बड़ा उसे कहा, मैंने कहा सर आप मेरा नाम लें, मुझे वेटर कहें जो मर्जी, ये वकील साहब क्या होता है, तो ये तो बैड मैनर्स है। तो मुझे तो मैंने उसका बजाय उसके साथ गुस्सा करने के, मैंने उसके मुकाबले में एक रेस्टोरेंट बनाया उसी के बैक स्ट्रीट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में उस रेस्टोरेंट को क्लैप्स कर दिया। और मजे की बात ये है वो था इंडियन, ठीक है। और आपने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका क्या नाम? मैंने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका नाम मैंने प्राइड ऑफ इंडिया रखा। रीजन उनका चंद्रयान 2 नाकाम नहीं हुआ था, कुछ उसने टारगेट अचीव कर लिया था, मगर हाँ 100% नहीं हुआ था, ठीक है। अब यह चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है, और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से, 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ या नहीं। हमारे में से जो कोई इंजीनियर बनता कोई चीज इजाद करता है ना, उसको हम नजरबंद कर देते हैं, उसको हम पीछे बैग पे फेंक देते हैं, ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ कर जाए। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को, ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, हमारे पास बेहतरीन आपदोजे हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे, और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, इंडिया में गुर्बत बहुत है, मगर ये है कि जो अभी इन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया उस पे 650 करोड़ इंडियन रुपीज खर्च हुआ है, वो उसको गुर्बत में भी तो खर्च कर सकते थे। आपने बोला कि पाकिस्तान में अगर प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से कोई रेस्टोरेंट रखेगा, डेफिनेटली मैं भी ये समझता हूँ कि शायद वहाँ पे कोई एंटर ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं दिल्ली के नाम से दिल्ली छोले चने या अमृतसरी छोले भटूरे, इस तरीके से, यानी कि पंजाब को लेके हमने रखा होता है, इंडिया से हमें कोई इशू है लेकिन पंजाब के नाम पे हम चलाते हैं। उसकी रीजन है, जब एक निसाब होगा तो एजुकेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव करेगा, ठीक है। इंडिया में एक निसाब है, चाहे वो किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, उसे एक ही बुक्स पढ़नी है, उसे ये नहीं कि उसने इंग्लिश मीडियम में ऑक्सफोर्ड की पढ़नी है और हमारे बच्चों ने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पढ़नी है। भाई यार हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है ना, खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पे है। इससे पहले चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया और उसे उस तरीके से कामयाबी ना मिल सकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया में खासतौर पर मीम्स बनाई गई। आज पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेंगे कि आज जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है क्या वो अपना कामयाबी के साथ मिशन मून क्लियर कर पाएगा, और सेकेंडली एटलीस्ट वो लोग ट्राई कर रहे हैं चंद्रयान 1, 2, 3 क्या हम यहाँ पे जो पाकिस्तान में हमारा स्पार्को है कोई इस तरीके से काम करता नजर आ रहा है, जिस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से स्पेस टेक्नोलॉजी हो या आईटी हो अपना नाम बनाता नजर आ रहा है, क्या हम उसे कम्पीट करने का सोच भी सकते हैं? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या रिएक्शन देती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम। क्या करते हैं सर आप? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट, जबरदस्त। आपका नाम सर? मेरा नाम तारिक मोहम्मद मलिक जी। आप क्या करते हैं? सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस। गारमेंट्स का बिजनेस है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, आने वाला टाइम इवन आज का दौर भी टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, पाकिस्तान इस सिचुएशन में कहाँ पे खड़ा नजर आता है आपको? देखिए अगर आप कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी के दौर को फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो वो तो अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है पाकिस्तान में, और होपफुली अगर हमारी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ जाती है तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बच्चों के आएंगे। अब देखें ना, जो हमारे मुल्क की जितनी क्रीम है जो आईटी से रिलेटेड है
वो सारी तो इमिग्रेशन करवा के कोई कनाडा चली जाती है, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान का शायद ध्यान, हमारी गवर्नमेंट का ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है शायद इस वजह से। आपने बोला फॉरेन कंट्रीज की, फॉरेन कंट्रीज तो डेफिनेटली बहुत टाइम से इन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया मिशन मून, जो कुछ टाइम पहले उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और हमने उसका मजाक बनाया, मीम्स बनाई कि भाई मिशन मून इनका नाकाम हो गया। आज फिर उन्होंने वो ट्राई किया है, उसे जो उनसे उन्होंने लॉन्च किया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट देती है, या जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, चाहे हमारे नेबर कंट्री में है वो, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है। नहीं नहीं, देखें अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, नो डाउट मेरा भी यही दिल करता है, पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँ, लेकिन फिर आगे से जवाब आता है या आगे से सवाल आता है कि भाई किस चीज़ में आपने डेवलपमेंट की है? आज भी हम अपनी सैटेलाइट, खुद एक भी सैटेलाइट नहीं बना सके, चाइना के सारे कुछ काम करते हैं अगर इसके ऊपर, और वहाँ पे तकरीबन 150 से ज़्यादा उन्होंने सैटेलाइट वो बना चुके हैं अगर इंडिया की बात करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे अरफा करीम टावर आपको पता है, यहाँ पे है एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है। अगर पाकिस्तान पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आईटी को के अंदर किसी चीज़ का में कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है, तो यहाँ पे भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ना तो नॉलेज की कमी है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई फुकदान है। सिर्फ फुकदान है तो हमारी गवर्नमेंट क्या, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करेगी तो वो आगे से कुछ कर सकेंगे। बच्चे तो आपने भी बोला, और हमने भी ये रिपोर्ट आई है बकायदा, पिछले साल तकरीबन 8-9 लाख जो पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले गए हैं, कोई जॉब के सिलसिले में या कोई वैसे माइग्रेट कर गया कि भाई पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं दिख रहा। ऐसे में हम क्या वर्क कर पाएंगे टेक्नोलॉजी पे? मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और हम लोगों के पास अक्सर ये चीज़ें आती, मतलब इस किस्म के जो केसेस आते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले देखें, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, आप तो बात कर रहे हैं शटल्स की, आप तो बात कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम की, आप तो बात कर रहे हैं शिपमेंट्स की, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो हम भी उनसे ज़रा तरक्की कर सकते हैं। अब जहाँ तक रही जिन बच्चे जो बाहर जाते हैं, वो बच्चे क्या करें? सही बात। वो हमारे यहाँ की पाकिस्तान की क्रीम वहाँ की जाके लेबर बनती है, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से वो आईटी इंजीनियर होता है, वहाँ पे जाके वो रेस्टोरेंट में जॉब करता है, और वो यहाँ से वो कोई बीएस करता है किसी फील्ड में, और वहाँ पे जाके वो ड्राइविंग करता है। तो ये चीज है पाकिस्तान में। सिर्फ मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि जहाँ पे इदारे अपने हदूद में ना रहें, जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम का फुकदान हो, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में ना रहे, जहाँ पे गवर्नमेंट के जितनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टीज की जमातें हैं वो एक दूसरे से फाइट के अलावा और कुछ ना करें, ठीक है, तो उस मुल्क में भाई ऐसा ही होना है। और सेकंडली मैं तो ये कहता हूँ, ये तो डेमोक्रेसी का हुसन है, फाइट करें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ पे एक नजर आए कि भाई पाकिस्तान के लिए हम एक हैं। ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान अगर कोई अच्छा प्लान करता है, कोई मंसूबा लाता है, कोई पॉलिसी लाता है, अगली गवर्नमेंट आए वो इसे खत्म कर दे कि भाई ये तो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। इसमें मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वो बच्ची का नाम भूल गया हूँ, वो पिशावर से जो रिलेटेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका ने उसे अवार्ड दिया है, ठीक है और वो बच्ची ने, वो लाइक 16 इयर्स की बच्ची है वो, और उसने पूरी दुनिया में बेस्ट वो समझी गई है, और वो आईटी से रिलेटेड वो बच्ची है, ठीक है मैं नाम उसका स्किप मेरे माइंड से हो गया, बट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कितना दुनिया से पीछे रह गए हैं। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे, अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को, ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, हमारे पास बेहतरीन आपदोजे हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे, और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की, बहुत ऊपर की। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर है, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं? वो तो हम अमेरिका से इम्पोर्ट
एक्सपोर्ट करते नहीं, हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ हम पार्ट्स वहाँ से आते हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ पार्ट्स वहाँ से आते हैं, जो असेंबलिंग उनकी पाकिस्तान में होती है। हमारे लोकल इंजीनियर्स, उनके जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनकी उनकी जो जो उनकी सलाहियतें हैं वो इंडिया के। आप देखें कि इंडिया की हम बात करते हैं, हमारी नेबर कंट्री है, इंडिया में हर चौथे दिन उनका तैयारा गिरा हुआ है। क्या वजह है? उनकी टेक्नोलॉजी में वो चीजें नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं नोट की है, देखें हादसा यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, लेकिन जो बड़ी बात नोट की है वो अपना मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चीज आप एग्री करेंगे मेरे ख्याल से कि वो मेड इन इंडिया पे ना सिर्फ खुद अपने लिए बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से 10 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो टेक्सटाइल का काम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कपड़ा जाता था, पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मानी जाती थी, पाकिस्तान के जो शहर फैसलाबाद से मैनचेस्टर कहा जाता था। तो अब क्या वजह है कि वो टेक्सटाइल में वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही? क्या वजह कि बांग्लादेश जो हमसे आजाद होकर उधर गया और वो हमसे ऊपर चला गया? क्या वजह है कि ये अफगानिस्तान जहाँ पे फॉरएवर जंग ही रहती है, उसका भी उसकी की जो रुपए की कीमत जो है हमारे रुपए से बेहतर है? ठीक है, आपने बोला कि भाई वहाँ पे उनका आए दिन कोई ना कोई एरोप्लेन या कोई ना कोई उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश होता है या इस तरीके से होता है। अभी आज अगर बात करें जापान की, उन्होंने भी अपना एक मिसाइल लॉन्च किया जो कि लॉन्च होते साल 1-2 मिनट में ही क्रैश हो गया। टेक्नोलॉजी में जब आप काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कामयाबी होते हैं और एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं। इसमें फर्क है, जो हमारी नेबर कंट्री में जो तैयारे होते हैं वो फुल एंड फाइनल तैयार होने के बाद, मार्केट में आने के बाद, वर्किंग के दौरान उनके प्रॉब्लम्स आए हैं। जो जापान की आप एग्जांपल दे रहे हैं, जापान में ऐसा नहीं है। जापान ने एक नया तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। उसमें किसी पायलट का नुकसान नहीं हुआ, उसमें किसी फौजी का नुकसान नहीं हुआ, उसमें किसी का लेमैन का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है ना, वो एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसको बेहतर करके वो फिर लॉन्च करते हैं। अच्छा, आपको आइडिया होगा चंद्रयान 2 जो एक उन्होंने मिशन लॉन्च किया था, मिशन मून, और उसके पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स बनाई गई थी। शायद आपको आइडिया होगा कि जी लो जी, इंडिया ने तो ये मिशन मून लॉन्च किया, ये तो फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। उन्होंने आज फिर ये कर दिया, यानी कि तजर्बे वो हार नहीं उन्होंने मानी, वो फिर अपना दोबारा वो कर रहे हैं। हम अभी सिरे से हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमारा बनता है कि हम मजाक बनाए? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले, हम भी यहाँ पे वर्किंग करें, हमारी भी मेड इन पाकिस्तान की चीजें दुनिया में जाएं। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें, क्रैश तो किसी कंट्री में भी हो सकता है। अभी आपके सामने ये जो फ्रांस की आप दोस्त जो गई है, टाइटैनिक वाला इशू है, वो कोई पहली दफा तो नहीं गई थी। ठीक है, वो तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम पहले जा चुकी है और वो मसला हो गया, और वो हो गया। और जिस बंदे ने अपनी टिकट वापस ली, उसने उसका अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें, वो कहता है कि जी मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द मटेरियल ऑफ द शिपमेंट। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी आप पहले 4 दफा हो गए, आपने अपनी टिकट क्यों वापस ली? उसने कहा क्योंकि ये मटेरियल फ्रांस से लिया गया था और वो मटेरियल मेरे हिसाब जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आपने इस वीडियो में कि यार पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन, अंकल जी एक वकील मतलब बोल रहे हैं फॉरेन में शायद बन रहे हैं, क्या है उनका स्टार्टिंग में थोड़ा उन्होंने बोला कि मतलब प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा ही है भाई, इंडिया की ना दुनिया रिस्पेक्ट करती है। अगर उनका चंद्रयान 2 जो मिशन था वो पूरी तरह से तरीके से वो फेल नहीं था, वह कुछ कामयाब हुआ, कुछ फेल हुआ, ठीक है, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि भाई हिम्मत हार के बैठ गए। वैसे भी लोग दिन से मानते हैं कि इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा आपको पता तरक्की की है, और आप अभी देख सकते हैं कि आईटी में उनकी इतनी ज्यादा बिजनेस वो करते हैं, दुनिया को अपना आईटी इतना ज्यादा बेचते हैं, और अभी चंद्रयान भेजा है, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी उनकी जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की, इतनी ज्यादा उनकी हुकूमत ने उन पर पैसे इन्वेस्ट किए, खुद की उन्होंने मेड इन इंडिया की ये जो रॉकेट है वो भेजे हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि यार जो मेड इन इंडिया चीजें वो खुद बनाते हैं ना, वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं होती, ये आप किस तरह से बोल सकते हैं कि वो कामयाब नहीं होती? उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल किया, दुनिया को वो अपने हथियार बेच रहे हैं। अब वो आखिर कामयाब है तो दुनिया उन पे विश्वास करके तो उनकी टेक्नोलॉजी तो आपको पता है कि होती है, वो कभी एक दिन चले या दूसरे दिन खराब हो जाए, ऐसा तो चलता ही रहता है, चले तो फिर वो बहुत टाइम तक भी चल जाती है। होता है कि आप अच्छी चीज अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम तक चलेगी। अगर उसको चाइना की तरह आप चाइना में देखें, आप
चीज़ें सस्ती होती हैं वो घटिया होती हैं, अगर आप उस पर थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो अच्छी होगी, इस तरह से ही होता है। तो इंडिया ने अपने लिए जो उन्होंने मेड इन इंडिया का उन्होंने किया हुआ स्टार्ट, वो हर चीज़ मेड इन इंडिया बना रहे हैं, अपने हथियार बना रहे हैं, अपने जो इस तरह चंद्रयान 3 मिशन उन्होंने स्टार्ट किया, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 भी था, डिफेंस का वो सिस्टम दूसरी दुनिया को बेचने की डील्स लोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई अभी उनका जो पीएम है वो फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन्होंने जैसे वीडियो में बताया कि वो वहाँ पर जाकर लिहाज से भी डील्स करेंगे। तो वैसे कल बहुत ही एक अच्छी वाली खबर आई थी कि चंद्रयान जो 3 है ना वो लॉन्च हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। पब्लिक का देखा ही आपने, उन्होंने बोला कि काफी ज्यादा अच्छा है, हम अपने स्पार्कों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, हम अपने जो इंजीनियर्स होते हैं जो अपने लोग होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं करते, और इन चीजों में आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत का बहुत ज्यादा हाथ होता है। हुकूमत है देखे जैसे इंडिया की गवर्नमेंट हुकूमत है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया की हुकूमत के बगैर तो ये सब चीजें नामुमकिन है। इतने ज्यादा पैसे, ये इंजीनियर्स की सैलरी, ये सब कुछ, ये कहाँ से आता है, हुकूमत दे रही है ना, तो हुकूमत का मेन। अगर ये मिशन कामयाब हो तो फायदा भी तो हुकूमत को ही होगा ना, फिर आपको पता है इंडिया का नाम होगा, कितना ज्यादा वो इससे फायदा हासिल कर पाएंगे। तो मजा आया ये वीडियो देख के, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है।